मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इस माह की 27 तारीख से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के तहत शैक्षणिक संस्थानों के बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8,000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। वहीं राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में संपन्न हुई, जहां शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कोविड पर प्रस्तुति दी गई और अब कोरोना के मामले कम हुए हैं, जिसको देखते हुए 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी सोम मंगल बुध को जबकि 9वीं और 11वीं के बच्चे सप्ताह के अंतिम दिन स्कूल आएंगे। उन्होंने बताया कि 8,000 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर को भरने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में 20 पद नायब तहसीलदार के भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती करने को भी मंजूरी दे दी गई है। 4,000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर और शेष 4,000 पद आवेदनों के आधार पर SDM की अध्यक्षता वाली कमेटियों के माध्यम से भरे जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है और उसमें अनेक प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण और जनहित के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कि ये तो कोविड पर जो प्रेजेंटेशन हुई है और उसके बाद इस बात पर विचार किया गया कि क्या हमको स्कूलों को खोलना चाहिए या नहीं, तो उस पर कैबिनेट ने चर्चा ये की कि अब हमारे पास कोरोना के मामले कम होना प्रारंभ हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में लगभग 1748 के करीब अभी हमारे कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं और इसमें हमने कहा कि अब क्रमवार तरीके से स्कूलों को खोलना प्रारंभ करना चाहिए और इसलिए उसमें ये निश्चित किया गया कि 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल में सोमवार मंगलवार और बुधवार के दिन बुलाए जाएंगे और उसके अतिरिक्त 9th और 11th के बच्चों को वीरवार शुक्रवार और शनिवार को बुलाया जाएगा और पहली से 8वीं तक के बच्चों की अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही हैं और ऑनलाइन उनके एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं, वे यथावत चलते रहेंगे क्योंकि 8 अक्टूबर तक अभी तक ये बच्चों के पेपर हैं तो वो चलते रहेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिर पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं भी अगर स्थिति ठीक रही तो इनको हम विधिवत रूप से प्रारंभ करने की दिशा में सोच सकते हैं। और उसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टी टास्क वर्कर हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री में लगाने पर चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि इनको लगाया जाएगा और इनका जो ऑनरेरियम है वो भी 5,625 रुपये पर मंथ किया गया है। और एक बहुत बड़ी मांग बहुत लंबे समय से चलती आ रही है जिसमें हमारे JBT अध्यापक और जो CNB के अध्यापक हैं इनकी ओर से आती थी कि एक तो जो ट्रांसफ़र जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होना था उसमें जो परसेंटेज थी वो 3% थी, उसको बढ़ा करके 5% तक किया गया है और साथ में अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम उसकी यानी समय सीमा पूरी होने से पहले कर सकते हैं और यदि कोई 60% से अधिक विकलांग है तो उनके ऊपर भी यानी ये नियम नहीं लगेंगे, ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसमें जो बड़ा निर्णय जो किया है कि जो पहले जो एग्जिस्टिंग जो टेन्योर था वो 13 साल था और 13 साल तक जो है तब तक वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते थे और इसको 13 साल से कम करके 5 साल तक किया गया है और इस 5 साल में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है अध्यापक का वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके कारण से हजारों अध्यापकों को लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।